वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड, मेरा नाम है नायाब और आप देख रहे हैं बीच फिटनेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आज के जेनेटिक्स और हार्ड वर्क, क्या ये जेनेटिक्स होना जरूरी है, बगैर जेनेटिक्स के बॉडी नहीं बनेगा, मसल नहीं बनेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है, मैंने कुछ वीडियोज़ देखा उसी के ऊपर मैं आज क्लियर करूँगा कि क्या आप हार्डवर्क से जेनेटिक्स को बीट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो यार, आजकल कुछ रेड बटन भी निकल गया है, टक 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 दबाओ यार, सब्सक्राइब करो। बॉडी बिल्डिंग मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं वीडियो करता हूँ, मुझे बताना अच्छा लगता है अपना एक्सपीरियंस, और मैं समझता हूँ यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बताने के लिए। सो फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, लाइफ में मुझे सिर्फ दो ही चीज का शौक है, एक बॉडी बिल्डिंग और दूसरा लड़की। मजाक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। थोड़ा नॉनवेज हो गया बट टॉपिक इंटरेस्टेड फ्रेंड्स, सो देखते रहिए, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले ही यूट्यूब में मैंने कुछ वीडियो देखा, उन लोगों का कहना है कि यूट्यूबर्स के जिन लोगों के पास जेनेटिक्स नहीं है या जो दोस पीपल हु आर नॉट जेनेटिकली गिफ्टेड, वो मसल्स पैक ऑन नहीं कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग फील्ड में आगे नहीं जा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं उनकी बातों से एग्री नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है और जहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ बॉडी बिल्डिंग में, ऑफ कोर्स दिस इज द 5% विच आई हैव गॉट, आई हैव लॉट्स मोर टू गॉट, बट जो भी मैंने गेन किया है अपने मेहनत से मैं सेटिस्फाई हूँ। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस फ्रेंड्स, जेनेटिक्स होता है, जैसे कि कुछ लड़के जिम में, उनका वर्कआउट सही नहीं है, उनका डाइट प्लान सही नहीं है, फिर भी उनके पास एप्स होते हैं और वो जो भी खाते हैं उनका मसल लगता है। बट फ्रेंड्स, वो चीज़ें अलग है, अगर आप उस तरह से नहीं है जेनेटिकली गिफ्टेड तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, और ये नहीं है कि हार्ड वर्क से आप जो जेनेटिकली गिफ्टेड है उनको पीछे नहीं छोड़ सकते, उनको भी पीछे छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं खुद बहुत स्ट्रगल किया हूँ, मैं जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं हूँ फ्रेंड्स, बेसिकली आई बिलोंग टू फ्रॉम मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पापा जो है वो फैमिली में सारे लोग मतलब जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, सीधा सारा फैमिली है जैसे होता है, कोई भी बॉडी बिल्डिंग को ये प्रीफर नहीं करता क्योंकि एक अलग स्पोर्ट्स आ जाता है, अरे तू पहलवानी करेगा, ए दीज आर थिंग्स आर टाइम पास, ये वो। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत मोटा था और वास्कुलरिटी ये सब का तो नामो निशान नहीं था, मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया, मैंने ये डाइट चेंज किया, ये चेंज किया, अपना डाइट प्लान चेंज किया, फिर भी वास्कुलरिटी नहीं आ रहा था। मेरे साथ जो लड़के वर्कआउट कर रहे थे उन लोगों का रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उन लोगों का रिज़ल्ट मिल रहा है और मैं भी उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उनसे ज़्यादा कर रहा हूँ, बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था कंपेरेटिवली, वो लोग मुझसे ज़्यादा ग्रो कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कुछ दिन तक जिम छोड़ भी दिया था कि क्या होगा, मैं शायद स्टडी के लिए बनाऊँ, स्टडी करो, बीटेक करो, काम करो, बॉडी बिल्डिंग उससे नहीं होगा। फिर मैंने डोरियन गेट्स का आर्टिकल पढ़ा और जो एक बहुत मशहूर यूके के बॉडी बिल्डर है जैक किंग का, उनका आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने कहा कि जो बैड जेनेटिक्स है उनको भी ओवरकम किया जा सकता है बाय योर हार्ड वर्क, बस आपको करना ये है कि आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, बस काम करो यार, जो आपको काम मिला है बस बॉडी बिल्डिंग को इन्जॉय करो, कोई इसके ऊपर शर्त ना रखिए कि आप तो मुझे इसके साथ कॉम्पीट करना है या ऐसा बॉडी करना है, बस फ्रेंड्स आप पूरा डिवोट होकर बॉडी बिल्डिंग कीजिए और प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, आप हार्ड वर्क से जेनेटिक्स को बीट कर सकते हैं, ये डोरियन गेट्स ने भी किया है, जैक किंग खान ने भी किया है और आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं नहीं मानता कि आप जेनेटिक्स अगर आपके पास अच्छा नहीं है तो आप तो बॉडी बिल्डिंग में आगे नहीं जा सकते, ऑफकोर्स फ्रेंड्स आप जा सकते हैं, बट आपको करना यह है कि
आपको गिव अप नहीं करना है सर्टेन स्टेज में कि टाइम लग रहा है आपका बॉडी नहीं बन रहा आप छोड़ देते, ये नहीं करना है फ्रेंड्स। लगे रहो, रगड़ते रहो, आपका बॉडी जरूर बनेगा फ्रेंड्स। सबका बनता है तो आपका क्यों नहीं बनेगा, सब जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं होते फ्रेंड्स। दीज आर द हार्ड वर्क जो उनको आगे ले जाता है और हार्ड वर्क ही सभी कुछ है फ्रेंड्स। कुछ दिनों पहले ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि अंडर 19 जो क्रिकेटर है शायद शुभमन गिल, वो एक दिन में शायद 500 बॉल या 1000 बॉल प्रैक्टिस करता है। तो फ्रेंड्स ये सारे डेडिकेशन है, अगर एक जुनून है कि आपको चाहिए तो आप कोई जेनेटिक्स कोई आपके बीच में बैरियर नहीं आ सकता, आप वो सब तोड़ते हुए आगे निकल सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपका हार्ड वर्क सब कुछ है फ्रेंड्स, तो कीप वर्किंग हार्ड, आपको अच्छा बॉडी ज़रूर मिलेगा। आप भी मोटिवेट ना हो इस तरह के वीडियो देखकर कि जेनेटिक्स की वजह से आप आगे नहीं जा सकते हैं और आप जितना भी कर लीजिए आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा या उस तरह के फिजिक आप अचीव नहीं कर सकते फ्रेंड्स। एवरीथिंग यू कैन अचीव विथ हार्ड वर्क, दिस इज द ओनली ट्रूथ आई बिलीव फ्रेंड्स। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप स्टेरॉइड्स जो इन्हेंसमेंट होता है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स वो सब भी आप अगर लेंगे तो उस लेवल का फिजिक नहीं बना पाएंगे जिस तरह फॉरेन बॉडी बिल्डर्स का होता है। सो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो फॉरेन बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका तो क्लाइमेट अलग होता है और उन लोगों का खाना बहुत अलग होता है और उन लोगों का जो खाना है बहुत प्योर होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो इंडिया में है मैल न्यूट्रिशन मिलावट बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है। और फ्रेंड्स वो लोग जो स्टफ्स यूज़ करते हैं, जो वो लोग एंड्रोजेनिक जो हॉर्मोन्स यूज़ करते हैं, दो ज़्यादा वेरी फार्मास्यूटिकल ग्रेड वेरी हाई ग्रेड बहुत प्योर स्टफ्स होता है फ्रेंड्स। इंडिया में शायद मिलना हम लोगों को मुश्किल है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑफकोर्स उन लोगों के पास एक्सेस है, जो जिनके पास पैसा है वो लोग यूज़ करते हैं, बट हम लोग जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं शायद हम लोगों को मतलब कुछ स्टॉइड्स हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ कुछ तो फार्मास्यूटिकल ग्रेड में अवेलेबल है, डेका टेस्टा ये तो आपको मिल जाता है जेन्युइन, बट और भी बहुत सारे हैं ऑक्सैंड्रोलोन स्टेनाजोलोल ये सारे जो हमारे कंट्री में इलीगल है और ये सारी चीज़ें जो शेडेड होने में जो वैस्कुलरिटी लाने में जो डिफिनेशन लाने में बहुत हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स हम लोगों का एक नोशन बन जाता है कि हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलता है, बट फ्रेंड्स मैं बता दूँ जितने भी स्टॉइड्स आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर 95% फेक्स होता है फ्रेंड्स इंडिया में। तो फ्रेंड्स आपको ये पता ही नहीं है कि आप जो चीज़ जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, और आप अपने जेनेटिक्स से ब्लेम करने लगते हैं कि मेरा जेनेटिक्स अच्छा नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स ऑलवेज वॉच, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, तो आप अपने जेनेटिक्स को कैसे आप ब्लेम कर सकते हैं कि आपका जेनेटिक्स अच्छा नहीं है आप आगे नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स ये चीज़ कहना बिल्कुल गलत है कि आप सारे चीज़ें यूज़ कर चुके हैं फिर भी नहीं जा पा रहे हैं। फ्रेंड्स ऑलवेज वॉच, मोस्ट ऑफ द स्टेरॉइड्स आर डुप्लीकेट इन इंडिया, सो पीपल लाइक अस फ्रॉम मिडिल क्लास कैन नॉट एफोर्ड देम फ्रेंड्स, क्योंकि हम पास इतना एक्सेस नहीं है कि जो महंगा महंगा जो पेप्टाइड्स वगैरह है वो सब हम लोग को जेन्युइन मिल सके। तो फ्रेंड्स हम लोग कुछ डुप्लीकेट स्टफ्स यूज़ करते हैं ये सोच के कि वो वही स्टेरॉइड्स है, अगर हमको रिजल्ट नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अपने जेनेटिक्स को बिलोंग अपने ब्लेम करते हैं और वर्कआउट में मन नहीं लगता, बट ये सब चीज़ फालतू है फ्रेंड्स। आप अगर नेचुरली भी करेंगे अच्छा सा डाइट मेंटेन करके और होली डेडिकेटेड आई एम डैम श्योर फ्रेंड्स आपको रिजल्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता, यहाँ पे एक टॉपिक आ गया था इसीलिए इसके बात करना ज़रूरी था। सो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना होए, अपने आप को डाउन ना फील करें कि आपका बॉडी नहीं होगा क्योंकि जेनेटिक्स नहीं है। अगर आप कुछ दिनों में ही एक साल या 15 महीने में ही डिसाइड अगर कर चुके हैं इस तरह के वीडियो देखकर यूट्यूब में कि नहीं होगा तो आप तो गिव अप कर रहे हैं, तो आपका बॉडी कभी नहीं होगा फ्रेंड्स। पुश योर सेल्फ, पुश हार्ड, ज़रूर होगा फ्रेंड्स एंड बिलीव मी सबका हुआ है तो आपका भी होगा। जेनेटिक्स होता है फ्रेंड्स, बट यू कैन बी जेनेटिक्स बाय योर हार्ड वर्क, कीप गोइंग फ्रेंड्स। और कभी भी डीमोटिवेट होकर इस तरह के डिसीजन ना ले और इस तरह के वीडियो से डीमोटिवेट ना हो। सो फ्रेंड्स दैट्स बीइंग सेड अबाउट हार्ड वर्क वर्सेस जेनेटिक्स।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और फ्रेंड्स जो लाल बटन निकला है उसको भी दाएं 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 दबा दो फ्रेंड्स, इस गरीब को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नया वन वर्स साइन ऑफ।